मनुष्य होने के लिए मनुष्य विरोधी होना होगा, ये बहुत सही लगता है। हालांकि मैं गांधी जी के उस वक्तव्य को इस बात से नहीं जोड़ सकता हूँ, लेकिन कभी कभी ये भी शक होता है कि जब उन्होंने 125 साल जीने की इच्छा रखी थी और आखिर में कहा था कि नहीं, अब मैं उतना नहीं जीना चाहता हूँ, तो क्या इस बात का एक अंश उसमें था कि नहीं था। आपने किसानों की बात करी है और बीजों की बात करी है, मुझे स्वयं बीजों को लेकर के जो आपने कहा, ये एटकिंसन के गैजेटियर में भी कहीं लिखा है कि 18वीं 19वीं शताब्दी की बात है कि जब पहाड़ में अकाल पड़ा था और अंग्रेजों के एक अधिकारी को भेजा गया था उस पर जानकारी लेने के लिए, और वो अंग्रेज जब वहाँ से गांव से लौटता है तो अपनी रिपोर्ट में कहता है कि जैसे मैं गांव की तरफ जा रहा था तो जंगल में कुछ एक दो लाशें मुझे दिखी, फिर मैं गांव की तरफ पहुंचा, खेतों में कुछ और मिली और गांव के अंदर बहुत कुछ और मिली और घर के अंदर भी कुछ लाशें मिली, पूरा गांव पूरा उजाड़ था। कमरे में सब उन्होंने कंटर देखे, बर्तन देखे, किसी में एक भी दाना बचा नहीं था, निसंदेह। लेकिन फिर वो इस बात को कहते हैं कि जो रास्ते में जो मुझे लाशें मिली, जंगल में मुझे जो लाशें मिली, तो उनके कमर में और कुछ नहीं, लेकिन उनके कमर में एक तोमड़ी बंधी हुई थी जिसमें हम बीजों को रखते हैं। तो आप जरा सा सोचिए कि वो लोग कपड़ा लेकर नहीं भागे, पैसा लेकर नहीं भागे, सिक्के लेके नहीं भागे, सोने चांदी जो रहे होंगे वो लेके नहीं भागे, और कुछ भी लेके नहीं भागे, वो बीजों को लेके भागे, क्योंकि उनको विश्वास इतना तो था कि हम जहाँ भी जाएंगे ये बीज जब तक हमारे पास होंगे हम एक नई सृष्टि की रचना कर सकेंगे। और इतना ही नहीं, हम नहीं भी रहेंगे, जिनको भी हमारा शरीर मिलेगा और जिनको भी ये बीज मिलेंगे वो एक नए जीवन की कल्पना कर सकेंगे। बाकी जो लोग घर गाँव में मरे हुए मिले उनके बारे में उन्होंने कहा कि उनको मरना तय था लेकिन बीज खाना तय नहीं था। तो धन्यवाद, आपने बहुत सारे सवाल हमारे पास छोड़े हैं और मुझे लगता है एक यही एक गांधी विचार है कि आपने बहुत सारे विचारों का कोई साथ समावेश किया है। आपने मार्क्स की भी बात करी है, मुक्तिबोध की करी है, और आपने दीनदयाल की भी बात करी है। मुझे लगता है यही एक गांधी विचार की जो ये एक असली महत्व की एक बात है। और वाकई आपने जॉन रस्किन को भी उद्धृत किया थोड़ा सा, वाकई जिसको हम, क्योंकि ये साहित्य का महोत्सव है तो शायद ये कहना जायज होगा कि मोहनदास को जिस बात ने गांधी बनाया, महात्मा गांधी बनाया, उसका बीज साहित्य से ही पड़ा था। जॉन रस्किन हो, टॉल्स्टॉय हो, थोरू हो, और भी बहुत होंगे। और जॉन रस्किन का अनटू दिस लास्ट तो उनके जीवन की प्रेरणा बनी, और जो सत्याग्रह उन्होंने उसका जो शब्द अनुवाद किया वो तो उनका एक बीज मंत्र ही होके बन गया। लेकिन इस तरह के लेखकों को पढ़ने के बाद उन्होंने जो जीवन जिया और उस जीवन को लेकर के उन्होंने जो कुछ लिखा वही गांधी को शाश्वत बनाता है। हमारे बीच में हम सुनने को उत्सुक भी हैं, राधा दीदी हैं, बहुत आपके बारे में कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप शायद 18वें साल में प्रवेश कर चुकी हैं। अच्छा, तो 85 में से 15 या 16 साल घटा दो तो बाकी आपका पूरा जीवन गांधीमय रहा है, और हो सकता है वो 15 साल भी गांधीमय रहा होगा बाद में। तो 70 साल से आप गांधीमय हैं, और मैं इसके आगे और क्या कहूं। आप समस्त बंधुओं बहनों, मैं इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती कि इस महोत्सव के आयोजकों को एक बार धन्यवाद दूं।
मैं इसलिए धन्यवाद नहीं दे रही हूँ कि उन्होंने ये आयोजन बहुत अच्छा किया या हमको बुलाया या ये बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य कला और उसके पीछे छिपी हुई या प्रकट होने वाली जो कोमल भावनाएं हैं, जो मनुष्य की आत्मिक ऊर्जाएं हैं, वो समाज का मानस बनाती हैं। साहित्यकार, कलाकार, कवि, पत्रकार, पत्रकार अगर बिजनेस वाला न बन जाए तो सही में समाज का मानस बनाता है। जहाँ पर गांधी ने भी कहा है, और उनके वाक्य बहुत स्पष्ट तो याद नहीं है शब्दशः, उन्होंने कहा है कि पत्रकार समाज की भाषा भी बनता है, और जहाँ समाज गलती करता है तो उसको रोकता भी है या उसको सही दिशा भी देता है। तो मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि आज के विकास को केवल भौतिक, जो केवल भौतिकता के पीछे दौड़ रहा है, उसको ये समझने की जरूरत है कि समाज का मानस कहाँ है। समाज का मानस ऊंचा उठ रहा है या समाज का मानस नीचे गिर रहा है। विकास की परिभाषा, विकास का मानक यही होना चाहिए कि समाज क्या कर रहा है, समाज कैसा है, कैसा था और कैसा आगे को बढ़ा है। तो ये जो साहित्य महोत्सव है, ये समाज के मानस को ऊंचा उठाने का काम करता है। साहित्यकार भले ही लक्ष्मी ज्यादा न प्राप्त करे, पर अपनी सरस्वती के बल पर समाज के मन को, उसकी आत्मा को, उसके मानस को खास तौर से ऊपर उठाता है। तो इसके लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने यह आयोजन किया है। और जगह जगह से मुझे बहुत ही खुशी हुई, एक यहाँ बहुत अच्छे लेकिन बहुत कम जाने जाने वाले साहित्यकार आए हैं, रवाल्टा जी। रवाल्टा जी बिल्कुल दूर दराज के गांव में रहते हैं। हम जब वहाँ गए थे तो हम पहले कच्ची सड़क पर गए, फिर वहाँ से पैदल चले, फिर रास्ते में पानी बह रहा था उसके ऊपर से गए, फिर कीचड़ था उससे चल करके गए, और आखिर में हम रवाल्टा जी के घर पर गए और सारा गांव इकट्ठा था। और बिल्कुल परंपरागत ढंग से वहाँ की महिलाओं ने नाचा भी था सामूहिक नृत्य और गाया भी था। साहित्यकार ऐसे दीपक जलाता है जगह जगह पर, और ऐसे साहित्यकार को आपने बुलाया है, मैं मानती हूँ ये बहुत बड़ा काम है। किसी भी बांध को बनाने से ज्यादा बड़ा है, किसी भी ऑल वेदर रोड को बनाने से ज्यादा बड़ा काम है। विकास की दिशा में एक बहुत बड़ा काम आप इस तरह से कर रहे हैं, इसके लिए मैं आयोजकों को बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनका अभिनंदन करती हूँ। मैं तो कोई साहित्यकार नहीं हूँ, फिर मुझे भी तो बुलाया है, पर मेरी समझ में आता है, इतना मैं समझती हूँ कि मैंने भी एक छोटा सा काम किया है। और आप लोगों की, जो साहित्यकारों की और कवियों की और कलाकारों की जो ये भव्य पंक्ति है, इस पंक्ति में कम से कम आखिरी छोर में मैं खड़ी हो सकती हूँ, क्योंकि मैंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, माना हिमालय की बेटी। माना हिमालय की बेटी इस उत्तराखंड की बेटी है, विशेषता कुमाऊं की, और उसके बारे में मैंने आज से वर्षों पहले लिखा था। उसके बहुत से अनुवाद हुए हैं, सर्वप्रथम वो डेनिश भाषा में छपी थी, हिंदी में तो बहुत पीछे छपी और अंग्रेजी में तो अभी भी नहीं छपी, फिर उसके बाद वो जर्मन भाषा में छपी, फिर उसके बाद वो स्वीडिश भाषा में छपी,
उसके बाद वो हिंदी में छपी, उसके बाद वो मराठी में छपी, उसके बाद वो तमिल में छपी। तो ऐसे इतनी इतनी भाषाओं में वो छपी है एक ही किताब, और उसको हिंदी में छापने का श्रेय जो है वो ये जगमोहन भाई बैठे हैं यहाँ, इनकी संस्था सिद्ध है मसूरी में, उन्होंने छपवाई थी। तो इसलिए मैं आपकी लाइन में आखिरी नंबर में खड़ी हो सकती हूँ, और इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस साहित्यकारों के सम्मेलन में आई तो शायद मेरा भी एक छोटा सा अधिकार था यहाँ आने का। अब हम आज के विषय पर चलते हैं। गांधी है क्या? गांधी एक व्यक्ति था, और व्यक्ति तो जाता ही है, वो भी चला गया अपने ढंग से, जैसे उसका जीवन था वैसे उसकी मृत्यु हुई, और अच्छी मृत्यु हुई, ऐसी मृत्यु बहुत लोगों को नहीं मिलती है। हम व्यक्ति की बात उतना नहीं कह रहे हैं, यद्यपि व्यक्ति के अंदर ही विचार होता है और विचार की दृष्टि से ही हम आकर्षित होते हैं, व्यक्ति में विशेष आकर्षण उसी चीज का होता है, लेकिन व्यक्ति ने भी जीवन में जो किया वो हमारे सामने रहता है। तो गांधी एक व्यक्ति, फिर गांधी एक विचार, गांधी एक वाद तो नहीं है, न था पहले। उसने खुद से कहा कि मैं कोई गांधीवाद नहीं छोड़ रहा हूं। और गांधी एक जीवन शैली, ये विचार और ये जीवन शैली, इन दो पर हमको बात सोचनी चाहिए, हमको विचार करना चाहिए, और आज के समय के आधार पर उसको देखना चाहिए कि क्या वो प्रासंगिक है कि नहीं है, क्या वो किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, क्या उसकी जरूरत है कि नहीं है। जरूरत महसूस होगी तो हम कोशिश भी करेंगे कि उसको किया जाए, अगर हम जरूरत ही नहीं महसूस करेंगे तो सुन लेंगे, इससे क्या होगा। इससे केवल सुनने की बात नहीं है, जरूरत महसूस करने की बात है। तो हम देखें उसमें, अभी तिवारी जी ने बहुत बहुत दिल से बातें की, जो उनके अंदर निकल रहा था वो सब उन्होंने सामने रखा, और उन्होंने समय के लिए भी कहा कि हम किसको कहें हमारा समय, तो हम समय अभी जो है उसी को लेते हैं, और पर तो हमारा बस नहीं है, भविष्य क्या होगा कौन जाने, और अतीत क्या हुआ हो गया। वर्तमान में केवल अपने देश की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है, पूरे विश्व की बात है, कि मानव समाज पूरा विश्व क्या झेल रहा है, क्या उसको मिल रहा है, और किस कीमत पर मिल रहा है। हम जानते हैं, बहुत आप जैसे लोगों के सामने बहुत उसको विस्तार में कहने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं हमारा विश्व के चारों ओर लिपटा हुआ या विश्व में स्थापित जो पर्यावरण है, हम जानते हैं पानी की क्या हालत है। हम 2-3 साल पहले एक पर्यावरण स्वराज यात्रा चला रहे थे, पंजाब में गए तो एक बूढ़े आदमी थे, किसान, हुक्का भी साथ में था और पगड़ भी सिर में था, और बहुत मजे से ऐसे खड़े हुए और कहने लगे, अजी हम जब छोटे थे ना तो हम कभी शौच के लिए जाते थे, ज्यादा उन्होंने कहा जब हम जंगल जाते थे, जंगल की ओर जाते थे तो हम कभी पानी नहीं ले जाते थे, डिब्बे में इसमें उसमें नहीं ले जाते। तो लोग थोड़ा हंसे, फिर कहा हंसने की बात नहीं है, हम जाते थे और वहाँ जंगल में खेत में कहीं बैठते थे जब तक हम फारिग होते थे, यही शब्द थे उनके, तो उसके पहले हम मिट्टी में ऐसे हाथ से खोद देते थे और जब तक फारिग होते थे उसमें पानी आ जाता था। ये तो पंच नदियों की बात थी ना, पंजाब जहाँ 5 नदियाँ बहती थी उनका जल स्तर इतना ऊंचा था, और उस पानी से हम अपना साफ होकर के घर आ जाते थे, पानी गाय को ले जाएं।
और आज उसी पंजाब में हम यात्रा कर रहे थे तो कहने लगा आज हम दो दो सबमर्सिबल पंप लगाते हैं भूगर्भ का जल ऊपर उठाने के लिए और दो दो सबमर्सिबल पंप लगा करके तब पानी कहीं आता है पर वो पानी तो जहरीला भी निकलता है क्योंकि वो इतना गहराई से निकाला जा रहा था कि वो जहरीला भी था और कहने लगे उसी को तो खेत में डाल रहे हैं उसी को तो गाय भैंस को पिला रहे हैं तो हमने हमारा समय माने ये है हमारा समय हमने ये किया है वो समय था वो किसान का उसके बचपन का और ये समय है आज हमारा जब हमने पानी को इस तरह से उलीज दिया है जो धरती माता अंदर लेती है उससे अधिक उलीज करके हमने खा लिया है पी लिया है।